Okay, so let's start electricity 1.3 ohms law. ohms law start करते हैं भाई. ohms law बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है electricity को अच्छे से समझने के लिए आसान तरीके से. जो इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक जो मेन आएंगे भाई, आपने अभी तक सीखा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो के लिए. तो उनका जो रिलेशन है, अगर मैं देखूं तो प्रॉपर रिलेशन जो था वो साइंटिस्ट ने, ओम्स लॉ ने प्रॉपर क्लियर किया था. ठीक, बहुत सारी चीज़ें थी. अभी हम कल स्टेटमेंट पढ़ेंगे. जब हायर स्टूडेंट पर जाएंगे फिजिक्स पढ़ेंगे भाई, तो वहाँ पर पता चलेगा भाई जॉर्ज साइमन ओम, जो कि इनका पूरा नाम है, वैसे बता देना चाहिए भाई. ठीक, जिसको पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है. केवल मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, केवल व्यास जी पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा ज़्यादा अच्छा बेटर होगा भाई विकास जी व्यास पढ़ा रहे हैं. ओके जी, लगाया मैंने, आप लगाओ नहीं लगाओ. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ओम्स लॉ. क्या चीज़? ओम्स लॉ. ठीक, तो ये लॉ कहता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. इसका स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है भाई कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, यस आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रहा है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो भी हमने देखा भाई, हमने सीधी सीधी बात बोली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. अभी जैसा मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता क्यों है, तो हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. मतलब अगर दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो तो वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नहीं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं. तो भाई आप ना समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, एक पोटेंशियल डिफरेंस. क्या अप्लाई किया था? क्योंकि बात किस चीज़ की कर रहा है वो तो समझेंगे ना, कि एक हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस. तो भाई यहाँ का पोटेंशियल है वी और यहाँ का पोटेंशियल है जीरो. ऑब्वियसली कोई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम करें भाई वी माइनस जीरो तो कितना मिलेगा, वी. ओके चलो अच्छी बात. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट हमारे सामने क्या होता है, फ्लो हो रहा है. इसके लिए इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या बोली कि यार आपके पास जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है, सपोज करो आपने लेंथ कितनी ले ली, एल, फिक्स कर दी. इसका एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन आपने, ये भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया थोड़ी देर के लिए. सपोज करो ये कंडक्टर, इसको हम छिड़कानी करने वाले थे, ये कंडक्टर का. साथ ही साथ उन्होंने बोला एक और चीज़ भाई, एक और फिजिकल कंडीशन. क्या चीज़? आप टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट कर दो, 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस. अब उनका कहना था कि आप इसका पोटेंशियल में कुछ भी चेंज लाओ. अगर मान लो एक वेरिएशन लाया V से, आपने V1 कर दिया, फर्स्ट V नोट था, V1 किया, या I से I1 हो गया, इनके बीच का जो वेरिएशन रहेगा वो कितना भी बड़ा आप पोटेंशियल कर दो, कितना भी करंट में वेरिएशन आ जाए, वो जो वेरिएशन का रेट था फर्स्ट टाइम वही रहेगा लास्ट टाइम तक. कब तक रहेगा भाई? लास्ट टाइम तक. ये इनका कहना था. क्या इनका ये कहना था कि भाई अगर लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर, लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब अनचेंज नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे भाई, अनचेंज्ड है. ठीक, अगर आपने भाई एरिया लेंथ हो, मतलब आपने कंडक्टर वही रखा पहली बात, ना आपने बड़ा चेंज किया कोई कंडक्टर, ना दूसरा लेके आए, सेम कंडक्टर के लिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, चेक कर रहे हो उस पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, टेम्परेचर भी सेम रखा हो आपने, तब इनका कहना था कि उस कंडीशन में भाई कितना भी आप पोटेंशियल कर दो, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये जो पोटेंशियल है, ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे भाई. क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि जैसे जैसे V की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे जैसे V की वैल्यू चेंज, उसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू चेंज होगी, और ये वेरिएशन एक जैसा बना रहेगा, ये वेरिएशन एक जैसा बना रहेगा इफ दिस कंडीशंस आर फॉलोड. ये सारी कंडीशन को आपने फॉलो की तब जाके. सो वी कैन से इजीली वी भाई यहाँ पे प्रोपोर्शनिटी का साइन है हटा के, कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, आप सभी को पता फिजिक्स का रूल है भाई, प्रोपोर्शनिटी पे बेस्ड नहीं होता, एक एग्जैक्ट तरीके की तरफ जाते हैं कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है. तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाया भाई, और एक कोई कांस्टेंट यूज़ किया जिसका नाम है आर. ठीक, बहुत अच्छी बात. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मिला हमको आर, ये एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में इसको प्रॉपर डिफाइन करते हुए ओम्स लॉ ने बताया भाई कि ये एक तरीके से सिस्टम जो आपने लिया था, जो कंडक्टर आपने लिया था, उसने जो अपोजिशन क्रिएट किया था वो अपोजिशन है. क्या चीज़ भाई? ये वो अपोजिशन है. तो सीधी सीधी बात बोले थी, ये जो अपोजिशन था ये मिला क्या हमको? अगर मैं देखूँ तो R इक्वल कितना मिला? V बाय आई. उन्होंने बोला कि अगर ये सब कॉन्स्टेंट रखोगे, इन सबको क्या किया आपने,
कॉन्स्टेंट, इन सबको क्या कर दिया आपने, कॉन्स्टेंट। तो भाई आर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना बात। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई, ये ऐसा बना, तो भाई ये जो चीज़ ली थी आपने कोई कॉन्स्टेंट टर्म थी, तो ये कॉन्स्टेंट तब कब तक रहेगा एक जैसा, कॉन्स्टेंट कब तक रहेगा भाई, जब तक इसकी जो आपके लिए कंडीशन दी गई है वो कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो, मतलब इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रख रहे हो, ठीक। तब आप ये 101% कह सकते हो भाई कि आर इक्वल वी बाय आई। और इस आर को अगर आप अच्छे से जाने, तो मैंने शायद से बोला अभी, ये क्या है, अपोजिशन ऑफ दिस कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। ये जो करंट फ्लो हो रहा था इसके लिए क्या क्रिएट किया था, अपोजिशन। क्या क्रिएट किया था भाई, ये पोजिशन। तो ये है आपका ओम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट बड़ा इजी लिख जाएगा इसका। सो स्टेटमेंट इज क्या है भाई, इसका क्लियर स्टेटमेंट हमें आपको बताया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वी कैन से, या अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड, इसके अक्रॉस द एंड जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे भाई, वो इस करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनिटी का साइन आप हटाते हो तो ये सारी चीज़ें मिलती है, बात की चीज़ें। तो क्या स्टेटमेंट क्लियर, ये फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ध्यान रखें भाई अलग से, लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर, लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर, आप प्रेशर भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर प्रेशर चेंज करने से जो भी फर्क आएगा वो किस पर आएगा, टेम्परेचर पर आएगा। तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, सिक। तो क्लियर भाई सभी को इतना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई इसके, ओके। सो ये है आपका ओम्स लॉ। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते भाई, यहाँ पे जो आर मिला हमको, ये आर क्या है, वी बाय आई। अब ध्यान से देखें तो ये इसकी यूनिट बननी चाहिए क्या भाई, वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस ये जो भी आपका आर आया, जो कांस्टेंट आया, इसको हम आगे जाके बोलेंगे भाई नाम इसका बहुत बढ़िया और व्यवस्थित नाम रखा हमने, क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ भाई, तो मैं आसानी से बना सकता हूँ कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या, इस कंडक्टर का अपोजिशन। भाई कंडक्टर फ्लो तो कर रहा है, पर इजीली फ्लो कर देगा ऐसा नहीं है, इजिली फ्लो कर देगा ऐसा, कुछ अपोजिशन क्रिएट करता है कंडक्टर, जाने से थोड़ा एक रोकता है भाई। तो वो जो अपोजिशन है ना, वही क्या है, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी भाई, दी अपोजिशन क्रिएट बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आंसर है वी बाय आई। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई ये फॉर्मूला तो लिखा है आई आर इक्वल वी बाय आई, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रेजिस्टेंस डस नॉट डिपेंड्स अपॉन वी एंड आई। वी आई आप क्या रखते हो, इससे रेजिस्टेंस को मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस को दूसरी चीज़ों से मतलब है, रेजिस्टेंस इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता भाई। सिंपल से मैं एक बात बताऊँ कि अगर एक रोड है, अगर वो रफ रोड है, तो उस पर तुम कार निकालो, बस निकालो, कुछ भी निकालो, जितना अपोजिशन उस रोड ने क्रिएट करना है वो तो करेगा, कार के लिए भी करेगा, बस के लिए भी करेगा, सभी चीज़ों के लिए। तो वो जो अपोजिशन है वो तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी भाई, रोड की। वैसे ही मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, वो किसी चीज़ को जाने से रोकता है भाई, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, वी की है या आई की ना, वो किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की। अभी जो ओम ने बोला, क्या बोला ओम, सॉरी ओम, ओम्स लॉ ने जो बोला वो क्या बोला कि जो अपोजिशन है वो ये है, ये क्या है, अपोजिशन। तो ये अपोजिशन क्या नाम दिया हमने, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। किसने क्रिएट किया था, अपोजिशन, कंडक्टर ने क्रिएट किया। ये बात ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, इन चीज़ों को रटे ना, रटना गलत है, समझ लो। छोटी सी चीज़ें रटने में 3 दिन लगाओगे, समझने में 3 मिनट लगेंगे, ठीक। 3 मिनट का वीडियो शॉर्ट में रिपीट एक बार रिवाइज करके देख लो, बातें क्लियर हो जाएंगी, ओके। बात समझ में आ रही है भाई। सो इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट भाई इस बंदे ने खुद के नाम पे रखी है, ठीक, मेरे नहीं भाई इसके, हाँ, ओम, सिंबल है ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक। सो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या भाई की होगी भाई, ओम, और सिंबल है ओमेगा, ओके, क्लियर भाई। तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कॉन्स्टेंट, किसकी भाई, कंडक्टर की, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करोगे वो क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है उसके। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वी
को हमने क्या लिखा, आर आई, प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाया तो आर इक्वल क्या मिला, वी बाय आई। इस आर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो क्या है भाई, इसका अपोजिशन। अपोजिशन को हमने सिंपल वर्ड्स में अगर बोला कि जो अपोजिशन क्रिएट करेगा कंडक्टर वही क्या होगा, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस द अपोजिशन क्रिएट बाय द कंडक्टर। ओके, तो ये आपका था भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये तो हुआ इसका भाई जो भी था। अब इसका करेक्टरिस्टिक आता है एग्जाम में कि भाई इसके लिए हमको करेक्टरिस्टिक एक प्लॉट करके दो, इसका ग्राफ जिसको हम प्लॉट बोलते हैं भाई। तो करेक्टरिस्टिक प्लॉट कैसे करते हैं, अगर मेरे को बोला जाए कि वी बाय आई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वी बाय आई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा प्लॉट बनाऊंगा किसके किसके साथ भाई, किसके साथ, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल एंड एम्पियर यानी कि करंट के साथ। ध्यान रखना मैं यूनिट पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप यूनिट वैल्यूज रखोगे तो भाई वोल्ट में आएगी यूनिट, तो आपको याद रखें किसको कहाँ। ठीक, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलते हैं तो याद रखें। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है भाई, इसके दो एक्सेस पे वैल्यूज ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर में कितना वोल्ट ले रहे हो, कितने सेंटीमीटर में कितना एम्पियर ले रहे हो। तो यहाँ पे हमने लिया वोल्ट यानी कि पोटेंशियल इन वोल्ट वी, और इधर हमने लिया करंट भाई इन एम्पियर, किसमें भाई एम्पियर। ओके, बात समझना, मैं एक प्लॉट बताऊँ दूसरा समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा पोटेंशियल है भाई कितना 2, ओके, थोड़ी देर के लिए मैंने पोटेंशियल वैल्यू क्या रखी 2, मेरे पास रेजिस्टेंस था कितना भाई आर इक्वल 2, रेजिस्टेंस भी कितना 2, तो भाई मेरे को ये बता आई की वैल्यू आनी क्या चाहिए, वी बाय आर होना चाहिए। देख थोड़ी सी शक्ल बदलो इसकी, आई इक्वल वी बाय आर, सो आई इक्वल 2/2, आई की वैल्यू कितना भाई 1। मतलब इस प्लॉट में तेरे को जो वैल्यू ऑफ करंट मिलना चाहिए, अगर ये डेटा है तेरे पास कि रेजिस्टेंस कितना है तेरे पास कंडक्टर का, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। देख तू प्लॉट खुद सीख जाएगा अभी, मेरे को नहीं सीखना। तो मैंने भाई 2 रखा तो करंट कितना आएगा 1, मतलब इसको मैं 2 ले लेता हूँ, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, आप और भी कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू और कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्लॉट करके देख लेना, बस ध्यान रखना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। ठीक, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखूँगा 2, मेरे पास रीडिंग है, मैं प्रैक्टिकल करके भी सिखा सकता हूँ, मतलब बताऊँ आपको वर्चुअली प्रैक्टिकल, उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगा। ठीक, तो पोटेंशियल कितना भाई 2, कितना 2 वोल्ट, देन ओम हमने रखा कितना 2 ओम यानी कि रेजिस्टेंस, तो 2/2 हमने क्या आई कितना मिला 1, मतलब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला भाई इस तरीके से। मेजरमेंट लेके नहीं किया भाई, ग्राफ में प्रॉपर होती। चलो अगर आप क्या करते हो भाई, वोल्टेज लेते हो 4, रेजिस्टेंस सेम, तो मतलब 4/2 आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकंड वैल्यू कुछ ऐसे। नेक्स्ट हमने लिया 6/2 कितना भाई 3, बोला था ना मेजरमेंट नहीं लिया है, सो थोड़ा सा प्रॉपर कर ले भाई इसको। ठीक है, तो सभी को पता है 8 पे कितना 4, सर ध्यान से देखना क्या चीज इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें एक चीज को अगर तू फोकस करे तो तेरे को मिलता है जो कॉमन वो है कि भाई ये जो लाइन मिल रही है ये कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, कैसी मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक, वी आई जो ग्राफ होगा उसकी जो लाइन मिलेगी हमको कैसी मिलेगी, स्ट्रेट। जिससे कुछ बात समझ में आती है कि स्ट्रेट क्यों मिली, अगर आर की वैल्यू बार बार चेंज होती है तो ऑब्वियसली 4/, अगर मान लो अचानक से मैंने यहाँ पे 2 किया था और यहाँ पे क्या कर दिया था 4/3, तो 4/3 वैल्यू लेस देन 2 आती, मतलब यहाँ कहीं गिर जाती, फिर अचानक से मान लो अगले में जाके ये जो R की वैल्यू हो गई 1 हो गई। ध्यान लगा भाई, R की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब यहाँ पे अगर तूने 6 किया और 6/1 करता तो आंसर क्या आता तेरा 6, मतलब लाइन पहले ऐसे यहाँ से चली नीचे जाती और अचानक से ऊपर उड़ जाती, क्या टेढ़ी मेढ़ा करूँ नहीं मिलता भाई।
अगर तेरे को वी आई प्लॉट, वी आई प्लॉट का जो स्लोप है, ये क्या भाई स्लोप ऑफ ग्राफ, वो कैसी लाइन मिले भाई, स्ट्रेट लाइन, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन जो दे रहा है वी बाय आई है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, बात समझ में आई। तो हमको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोले थे वी वर्सेस आई का जो प्लॉट होता है उसका स्लोप कैसा होता है, हमारा आंसर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, क्लियर, ये बात क्लियर है सभी को। ये अगर कांस्टेंट नहीं होता, वी आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, मतलब आर का वैल्यू बार बार क्या होता चेंज, तो हम ये बोलते हैं कि वी बाय आई, वी बाय आई मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता भाई, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब वी बाय आई क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो मैंने डेटा आपको ग्राफ बनाना सिखाया भाई, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम्स में, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पे, आपको टेबल दे रखी है वोल्ट में, दूसरी टेबल दे रखी है एम्पेयर में, डेटा गिवन है, आपको ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है भाई, छोटा दो उसके मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं बनाओगे, एक तरफ वोल्ट एक तरफ एम्पेयर, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना भाई, अगर तुम 2-4 ये ले रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी ली 2 वोल्ट, ये आपको काम करना है, उसकी स्केल आपको लिखनी है प्लॉट की कि 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल 2 वोल्ट एंड 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस इक्वल 1 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफरेंस लिया, आप चाहें तो 0.5 का ले सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा का जो रेंज है वो क्या वेरी करता है। अगर मान लो पास मेरे पास डेटा 2 वोल्ट 8 वोल्ट 16 वोल्ट ऐसा डेटा होता तो फिर मैं यहाँ पे 5-10 इस तरीके से वैल्यू लेता और करंट की रेंज के ऊपर डिपेंड करता कि करंट की वैल्यू का डिफरेंस क्या लेगा। ये आपको बेसिक नॉलेज है प्लॉट्स का और ये आना चाहिए, ठीक क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है स्लोप, मतलब ये क्या भाई आपका v बाय आई क्या होगा कांस्टेंट होगा, मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक, मतलब ओम्स लॉ वेरीफाइड। अगर ये प्लॉट आपके पास जो मिल रहा है आपका, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व होता तो आप ये बोलेंगे ये ओम्स लॉ का प्लॉट नहीं है। प्लॉट्स चेक करने को आ जाते कई बार, 2 प्लॉट देते भाई चेक करो कि भाई कौन सा जो है लॉ डेटा जो बेस्ट ग्राफ बना हुआ है जो प्लॉट बना हुआ वो कौन सा ओम्स लॉ के लिए है और कौन सा ओम्स लॉ के लिए नहीं, या दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा ओम्स लॉ को, तो भाई वही ग्राफ आपको सिलेक्ट करना है जिसमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ऐसा ग्राफ सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें वेरिएशन आता हो, ऐसा ग्राफ भी सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें स्ट्रेट लाइन तो आती हो बट यहाँ से पास हो रहा हो, यहाँ से पास ओरिजिन से पास होगा बिल्कुल, क्योंकि देख भाई अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई, अगर वी जीरो है तो आई भी जीरो होना चाहिए, बात समझ में आई क्लियर। सो ये था ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का भाई 3rd लेक्चर है हमारा, ये किसके लिए ओम्स लॉ के लिए, क्लियर ओके। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, तैयारी करे प्रॉपर, सीखते रहे, सीख के पढ़े भाई।